बिनाइन स्किन लीजन, बिनाइन लीजन अपने मतलब एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ जितने भी हैं 7 8 9, ठीक है, सब में क्या लग क्या मिल रही है अपने को, ट्यूमर जैसी ग्रोथ देखने मिलेगी, ठीक। इसे लेकिन पर वो कैसी है, नॉन कैंसरस है, मतलब वो मेटास्टेसिस नहीं कर रही है, ठीक है तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे, इसलिए इसने बोला क्या, बेनाइन स्किन लीजन, जो स्किन लीजन है उसके कुछ पार्ट में ये देखने मिलेगा, ठीक। फिर क्या है, सिस्ट, ठीक। तो पहला पहला क्या है इसका, सिस्ट। सिस्ट क्या है, सिस्ट कहने तुम लोग, ठीक है। सिस्ट इज अ सेक लाइक, पहला क्या है, सिस्ट, ठीक। सिस्ट क्या है, सिस्ट इज अ सेक लाइक ग्रोथ विद अ डिफाइंड वेल दैट मे कंटेन लिक्विड सेमी फ्लूइड और सॉलिड मटेरियल। जो सिस्ट है वो क्या है, एक सेक लाइक ग्रोथ है, उस पे क्या बन रहा है, एक सेक जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे जिसमें एक मान लो एक नॉर्मल स्किन है, ठीक। अब ये नॉर्मल स्किन है, अगर इसके इंटरनल पे ग्रोथ होने लग जाएगी तो ये चीज क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर धक्का देगा, ठीक। एक सेक बन गया, पहले सेक था क्या, नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, ये एक सेक का फॉर्म कर रहा है, जिसमें चीज क्या है, या तो लिक्विड हो सकती है ना, लिक्विड मटेरियल हो सकता है और सेमी फ्लूइड हो सकता है, या तो सॉलिड मटेरियल हो सकता है। सिस्ट इज फ्रॉम ग्लोबुलर मूवेबल एंड नॉन टेंडर, ठीक। सिस्ट यूजली रेंज अबाउट 1 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अभी कैसा है, एक ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मूवेबल मतलब मूवमेंट भी कर सकता है, और नॉन टेंडर है मतलब यहाँ पे टेंडरनेस देखने नहीं मिलने वाली। द सिस्ट यूजली रेंज फ्रॉम 1 to 5 सेंटीमीटर, ये लगभग इसका जो डायमीटर हो कितना है, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक। इट कैन डेवलप एज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। ये क्या कर सकता है, अगर ये डेवलप हुआ तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्लॉगिंग ऑफ सीबेसियस ग्लैंड और अराउंड द फॉरेन बॉडीज, ठीक। सीबेसियस ग्लैंड के वर्क ना करने की वजह से, क्योंकि बनी बात, अगर स्किन इन्वॉल्व हो रही है तो सीबेसियस ग्लैंड क्या होगी, कंप्रेस होगी, ठीक। और अराउंड द फॉरेन बॉडीज, अगर फॉरेन बॉडीज वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसकी वजह से कॉज कर सकता है। फिर क्या है, अब उसमें से क्या नाम है, पहला एन इपिडर्मल सिस्ट, जो कि एक सेकलाइक ग्रोथ है अपर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, देख सकते हो यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल ऑफ द स्किन सिस्ट, ठीक। तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द पिलो सेबेसियस फॉलिकल, जिसमें अपन ने देखा था हेयर और सेबेसियस ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, इट इज सॉफ्ट हेमिस्फेरिकल नोड्यूल, कैसा है ये, हेमिस्फेरिकल नोड्यूल है और कैसा, सॉफ्ट है, ठीक है। देन ओवरलाइंग कुमेडो दैट यूजली सीन द फेस नेक अपर ट्रंक एंड यूजली सिम्टोमेटिक, ठीक है। ये कैसे, कहाँ मिलेगा अपने को, कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है, एक तो फेस नेक और अपर ट्रंक में, ठीक। फिर पिलर सिस्ट और सीबेसियस सिस्ट सेक लाइक ग्रोथ मिडिल पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, ये अपने कहाँ मिला, मिडिल पोर्शन किसके, हेयर फॉलिकल के। देन द क्यूटिकल लाइक मटेरियल हार्ट हेमिस्फेरिकल नोड्यूल, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, फोटो दिखाना इसकी, यही है सिस्ट, देख सकते हो ये पार्ट पे, फेस पे, है ना। नेक्स्ट ये देख रहा हूं, ये कहां पे, नेक रीजन पे, ये इस पार्ट पे, ये सब कौन सिस्ट है, इपिडर्मल सिस्ट बोल सकते हो, और सिस्ट है जो कि देखने मिले अपने को कहा, स्किन लीजर पे, ठीक।